हेलो मैम। हेलो मैम, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फूलों की होली? पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक रंगों का त्यौहार है। गुलाल और इत्र और फूलों से होली पहले खेली जाती थी, पर आज बहुत तरह के रंग आ गए हैं जो कि एक तरह से एलर्जिक भी होते हैं स्किन को। और दूसरा, वो काले पीले होली खेल के ना, मतलब रंग के चेहरे ही नहीं नज़र आते और उसे उतारने में भी बहुत दिन लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का आइडिया था, और एक और चीज़ के लिए कि रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट बना के रखने के लिए, आईएमटी के प्रांगण में एक सेल्फ डिसिप्लिन का एग्जाम्पल सेट करने के लिए बच्चों की तरफ से हमारे पास ये आइडिया आया था कि मैम हम फूलों की होली खेलना चाहते हैं और थोड़ा बहुत टीका हम गुलाल से करेंगे, पर हम कोई भी ऐसा रंग नहीं इस्तेमाल करेंगे जो कि किसी भी तरह से किसी भी इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल है। तो ये कंसेप्ट हमारा इस साल का नहीं है, हम पिछले 9 वर्षों से ऐसे ही फूलों की होली खेल रहे हैं। और एक जो प्रेम प्यार और रंगों का जो त्यौहार है इसको मना रहे हैं। राइट, ये बच्चों का ही ऑर्गेनाइज करा हुआ इवेंट है या कॉलेज भी कंट्रीब्यूट करता है? सी, ऐसे जितने भी इवेंट्स रहते हैं वो इनिशिएट करने वाले बच्चे रहते हैं, हम लोग भी वर्क एज अ सपोर्टर। तो बच्चों ने ही इनिशिएट किया कि मैम इस बार क्या हो रहा है। और हर साल जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो ज़्यादा बबली रहता है, सेकेंड ईयर बबली रहता है। तो एक तरह से हमारे यहाँ पे कॉलेज में 4 कोर्सेज रन हो रहे हैं, बीबीए, बीसी, एमबीए, एमसीए। इस बार 4 कोर्सेज ने मिल के किया है। तो अ टीम फ्रॉम ईच एवरी डिपार्टमेंट हैज कम इन एंड दे गेव द प्रपोजल कि हम लोग ये रंगोली का महोत्सव मनाना चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।